ये रहा फाइनली, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि डीजे सार्जन का भी सेटअप लग रहा है। तो ये रहा आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ का सारा सेटअप मैंने दिखाया कि क्या क्या सेटअप लग रहा है। इसका जरूरत हो रहा है तो जैसे घर में जैसे अपना एक गार्जियन रहता है ना, तो उनके तरह भैया हम लोग का सपोर्ट करे हर एक चीज में। मतलब 50 लड़का बाहर लेके है लेकिन लग रहा है जो आप सेटअप पे देख रहे हैं वही है बाबा डीजे। तो चलिए और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रहा दोस्तों, ये भी काफ़ी तगड़ी सेटअप है और यहाँ पे भी एक सेटअप है, इसको और इसको। ये भी जो सेटअप है वो मेरठ का है, जो कि देख पा रहे होंगे बेसबिन अभी बांधा जा रहा है और काफ़ी खतरनाक है। आप गिनिएगा तो थक जाइएगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे लोडेड हो रहा है। और यहाँ पे भी एक सेटअप है, इसको और इसको साथ में लेके चलेंगे पूरे डीजे के अंदर। हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो को लेके आ चुका हूँ और मैं हूँ अभी हरिद्वार पे और यहाँ पे हो रहा है कांवर यात्रा और साथ ही में यहाँ पे डीजे भी कंपटीशन काफ़ी तगड़ी होती है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रहा है डीजे सेटअप को लेके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ का मेरठ का सबसे फेमस जो डीजे है उसका नाम है अमर डीजे और एक कसाना डीजे और हमारे झारखंड से आए हुए डीजे सार्जन। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सेटअप को लोड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा, यहाँ से हो जा रहा है डीजे का सेटअप बनना स्टार्ट। और ये रहा, यहाँ पर भी एक डीजे है जो कि यहाँ पे बंद रहा है, सूरज डीजे। आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस साइड से। ये रहा यहाँ पे पूरा सेटअप वगैरह रखी हुई है एंड ये रहा अभी सेटअप अभी लग ही रहा है पूरा अभी का। और इसी तरह से आप लोगों को हरिद्वार हाईवे पे मिलेगी डीजे सेटअप। और यहाँ पे भी एक सेटअप बंद रहा है जो कि काफ़ी गजब का है, बट अभी इन लोग ढक के रखे हुए हैं इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ कि कौन सा ये डीजे है, बट काफ़ी तगड़ा इस पर भी सेटअप लगा हुआ होगा। ये रहा, आइए आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से तो दिख रहा है। ये रहा दोस्तों, ये लिखा हुआ है बाबा और इनका भी सेटअप काफ़ी गजब का है, खतरनाक सेटअप है। ये रहा और अभी ये भी सेटअप को देख पा रहे होंगे पूरे अच्छी तरीके से अभी बांधा जा रहा है। ये रहा सेटअप का नज़ारा। चलते हम लोग आगे की ओर और आप लोगों को दिखाते हुए जाऊंगा। चलो उस साइड की चलो। ये कौन सा डीजे है? बाबा ही डीजे है ना। तो दोस्तों जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो आप सेटअप पे देख रहे हैं वही है बाबा डीजे। तो चलिए और भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और उस साइड पे और ज़्यादा डीजे का भी लोडिंग चल रहा है और साथ ही में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डीजे सार्जन भी किस तरह से अपना सेटअप को लोड कर रहे हैं। तो बस आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें ताकि मैं सारा चीज़ आप लोगों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से यहाँ पे सेटअप को बांधा जा रहा है। ये रहा, यहाँ का भी जो सेटअप है वो काफ़ी बड़ा सेटअप है। ये रहा जो कि टूलटेक्स के सामने में है और कांवरियों का आप लोग देख पा रहे होंगे भीड़ कुछ इस तरह से है। और कल हो रहा है पहला सोमवार, पहले सोमवार पे भी भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड चलिए पूछते हैं कि ये कौन सा डीजे है। ये रहा दोस्तों, इसका भी सेटअप जो है वो काफ़ी तगड़ी है। तो चलिए हम लोग आगे से जाके देखेंगे कि कौन सा ये सेटअप है। और यहाँ पे बहुत सारा और भी सेटअप है जो कि अभी लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा है, मतलब मशीन वगैरह ला के सारा सेटअप को यहीं पे किया जा रहा है। ये रहा, और ये कौन सा सेटअप है पता तो नहीं है बट पूछना पड़ेगा कौन सा ये सेटअप है।
ये डीजे सेटअप का नाम क्या है भैया? ये मोनो साउंड। दोस्तों ये रहा, यहाँ पे है मोनो साउंड। कहाँ से है ये डीजे? मेरठ से। मेरठ। गाइज ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये भी मेरठ से ही है, और ज़्यादातर हम लोगों को दिल्ली मेरठ का ही नज़र आएगी क्योंकि वहीं पे होता है कंपटीशन। सोनू। और यहाँ पे भी एक फिर बंद रहा है। चलिए आइए, आप लोगों को मैं सारा अपडेट दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा सेटअप आया हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किनका सेटअप सबसे तगड़ी है। और ये रहा, फिर एक हम लोगों को मिल चुका है और एक सेटअप। तो चलिए ये रहा, ये पीछे का नज़ारा है और आगे से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कौन सा ये डीजे है, कौन सा डीजे है। RPM। ये भी दोस्तों मेरठ का ही है। ये भी जो सेटअप है वो मेरठ का है, जो कि देख पा रहे होंगे बेसबिन अभी बांधा जा रहा है और काफ़ी खतरनाक है। आप गिनिएगा तो थक जाइएगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे लोडेड हो रहा है और पीछे में तो अभी काम चल ही रहा है। तो चलते हैं और आगे, और इससे भी तगड़ी आपको सामने में दिख रहा होगा सेटअप। इस साइड पे भी कावर रखा हुआ है और दुकान का भी व्यवस्था है। हल्का फुल्का आप लोग आराम से यहाँ पे खा सकते हैं, फास्ट फूड वगैरह। और धूप तो दोस्तों काफ़ी कड़क है, मत पूछिए, बट हाँ यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है। और ये रहा सामने में NH हाईवे, और यहाँ पे है और एक DJ। ये रहा ठाकुर DJ, इसका भी सेटअप काफ़ी तगड़ी है। ये रहा ठाकुर DJ, जो कि वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और एक साथ तीन तीन बंद रहे हैं ये DJ। बाप रे, ये तो और हैवी है यार। ये रहा दोस्तों ठाकुर DJ, इसमें भी काफ़ी गजब का लाइटिंग का ख्याल रखा गया है पूरे DJ के अंदर। ये रहा, अभी सेटअप तो पूरा लग ही रहा है, अभी इसमें भी काम अभी बाकी है पूरा। मैं सारा अपडेट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अभी हरिद्वार से बंद रहे हैं जितने भी DJ हैं। यहाँ पे और एक सेटअप बंद रहा है, धाकस, धाकस है, ये भी धाकस DJ है, जो कि इसका भी हाइट काफ़ी अच्छा है और बेस को तो पूरा एकदम भर के इन लोग डाले हुए हैं। और यहाँ पे भी इनका सेटअप रहेगा, दो जगह पे इन लोग सेटअप को बांध के और चलते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे टूलटेक्स पे जितने भी कावरियाँ हैं सबको अपना कावर को रख के और यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि धूप में चलना इम्पॉसिबल है, इतना भारी भारी कांवर लेके जाना। और ये रहा, कांवर का पूरा भरमार है इस जगह पे, जितने भी कांवरियाँ हैं। ये रहा, सबको अभी रेस्ट कर रहे हैं और सबके कांवर पे कम से कम 15 से 20 लीटर जल भरा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे और एक DJ, जो कि काफ़ी ख़तरनाक इसका भी सेटअप है, देख पा रहे होंगे 20 फुट का इसका कम से कम होगा, 15 से 20 फुट का, और चौड़ाई भी इसका काफ़ी बड़ा है। DJ देव गुर्जन। ये रहा गाजियाबाद, क्या नाम है, देव गुर्जन गुरज धारीपुर, गुरज धारीपुर। और इन लोग जो नाम भी रखते हैं वो काफ़ी गजब का नाम है, बट गाजियाबाद से ये पूरा फुल सेटअप है। इसका नाम क्या है? ये रहा दोस्तों, ये भी काफ़ी तगड़ी सेटअप है, और यहाँ पे भी एक सेटअप है, इसको और इसको साथ में लेके चलेंगे। और ये रहा, इसका भी हाइट कम से कम 20 फुट का हाइट है और लंबाई भी 20 फुट है, बट इसका नाम क्या है ये तो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि पूरा ढकी हुई है। तो चलिए पूछते हैं
इस डीजे सेटअप का नाम क्या है? भैया इस डीजे सेटअप का नाम क्या है? क्या नाम है? हैप्पी डीजे। हैप्पी डीजे। अच्छा हैप्पी डीजे कहाँ से है ये? हाँ मुजफ्फरनगर। दोस्तों ये है हैप्पी डीजे जो कि मुजफ्फरनगर से है और अभी सेटअप तो रेडी हो ही रहा है क्योंकि 30 या 1 या 2 तारीख को वहाँ पे फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जीतने वाले हैं, जो कि मेरठ पे होता है कंपटीशन। तो अब हम लोग चलेंगे डीजे साजन की ओर। कि हम जो नहीं सोचा था हमने वो हुआ हमारे साथ, कि सब लाइट की व्यवस्था, सब पानी की, सोने की सब व्यवस्था इन्होंने करवा रखी हमारे लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब कहने की देर है, काम पहले हो जाता है, अंकल पहले कर देते हैं। ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हम उत्तराखंड के अंदर आके साउंड मांग रहे हैं। मतलब कुछ भी चीज का जरूरत हो रहा है तो जैसे घर में जैसे अपना एक गार्जियन रहता है ना, तो उनके तरह भैया हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं हर एक चीज में। मतलब 50 लड़का बाहर लेके है लेकिन लग रहा है मतलब भैया के साथ है, कुछ होगा दिक्कत होगा तो पूरा भैया अपने हिसाब से। ये भैया देखिए, भैया इनके शॉप है, ये इनका सारा, इनका पेट्रोल पंप है भैया का, हमारे बगल में पेट्रोल पंप है भैया। अभी कल का पीछे तक सिस्टम आएगा, पीछे तक सिस्टम हमारे चाचा का सारा पूरा, हम लोग का पीछे रेलवे का करंट बिजली पानी सारा चीज, मतलब अपना घर जैसा यहाँ पर अपना यूज कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से तो ये धन्यवाद है भैया। भगवान की जय। भाई जी कोई बात नहीं है, जो मेरे से होगा ऐसी बात नहीं है, सहयोग करूँगा और कुछ नहीं है, सब वो बोले बाबा का। कोई भी दिक्कत है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ये रहा फाइनली। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि डीजे सार्जन का भी सेटअप लग रहा है और यहाँ का यदि आप लोग क्राउड देखेंगे तो ये रहा जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब कोई अभी यूट्यूबर हैं और सब यूट्यूबर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सिर्फ डीजे सार्जन का सेटअप देखने के लिए। ये रहा और नज़ारा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से है यहाँ का भी फर्स्ट लुक। डीजे सार्जन का यही सेटअप पूरे हरिद्वार पे बजने वाला है कांवर यात्रा पे, और ये रहा नज़ारा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को सेटअप कैसा लगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से हरिद्वार पे यहाँ पे कांवर यात्रा होता है और साथ ही में यहाँ पे डीजे कंपटीशन भी होता है, जो कि बहुत दूर दूर से डीजे कंपटीशन करने के लिए आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, यूपी, उत्तराखंड, और फर्स्ट टाइम आए हुए हैं डीजे सार्जन जो अपने हमारे झारखंड से हैं। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह का इनका सेटअप है, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों यदि आप लोगों को कांवर यात्रा का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव, बोलबम।